अवनी की जीत के बाद जयपुर में शास्त्री नगर स्थित उनके घर में परिजनों ने नाच गाकर जश्न मनाया इस दौरान अवनी के परिवार ने बताया कि वो खेल के साथ पढ़ाई में भी अव्वल हैं अवनी के दादा जी आर लेखरा ने बताया कि अवनी का जयपुर से टोक्यो तक का सफ़र काफ़ी संघर्ष भरा है अवनी ने हिम्मत और लगातार मेहनत करके सभी बाधाओं को हरा कामयाबी हासिल की है 2012 में महाशिवरात्रि के दिन अवनी का एक्सीडेंट हो गया जिससे उसको पैरालिसिस हो गया तब वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती थी लेकिन हम सभी ने उसे हिम्मत दी उसके माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही उसकी मेहनत का ही नतीजा है कि वो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही है परिवार ने बताया कि शूटिंग में इतिहास रचने वाली अवनी लेखरा पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार है परिजनों ने यह भी बताया कि उसे किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक़ है हर दिन अवनी खेल के साथ पढ़ने में भी काफ़ी वक्त बिताती हैं अवनी के भाई अर्नव ने बताया कि फ़िलहाल वो आर की तैयारी कर रही हैं ताकि वो जज बनकर न्याय कर सके अब जब अवनी ने दूसरा मेडल जीता है तो पूरे परिवार में खुशियाँ मनाई जा रही हैं अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भारत दर्पण टीवी